हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ और एक जॉब नोटिफिकेशन भी लाया हूँ दोस्तों, मेघालय सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इस डिपार्टमेंट के थ्रू एक जॉब नोटिफिकेशन आया है, तो मैं पहले ही बता देना चाहते हैं, जो लोग नॉर्मल पास किया है तो उनके लिए नहीं, जो लोग ग्रेजुएट लेवल तक है तो ये जो वैकेंसी है तो इनके लिए है। तो आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों? अप्लाई करने के लिए आप लोग को वहाँ जाके आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। तो जॉब नोटिफिकेशन जो आया है ये कल आया है लगता है, लेकिन मैं देखा नहीं डेट। ब्लॉक रिसोर्स, इसमें जो पोस्ट आप लोग को पहला जो पोस्ट मिल रहा है वो ब्लॉक प्रोसेस पर्सन, रिसोर्स पर्सन, तो इसकी तरफ से आया है। तीन पोस्ट है दोस्तों, कौन सा? एक खासी डिस्ट्रिक्ट, खासी हिल्स के लिए, एक रिवे डिस्ट्रिक्ट हिल्स, रिवे डिस्ट्रिक्ट के लिए, और एक जो है वेस्ट गारा हिल्स से। तो तीनों जो है एक एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बताया गया है उन्होंने। तो आप लोग तीनों डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का जो जॉब लोकेशन में वो हो सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद आप लोग को इसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, तो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, योर एसएसजी कैडर हैविंग एक्सपीरियंस इन फैसिलिटिंग द कंडक्ट ऑफ सोशल ऑडिट द एट द फील्ड और लेवल और प्रीवियसली वर्किंग इन द एमजी एनआरजीएस। तो इन डिपार्टमेंट में आपने अगर किया है, एक्सपीरियंस है 3 साल का है मिनिमम है, अगर आपने काम किया है तो आप तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को याद आया होगा एसएसजी कैडर इन हैविंग एक्सपीरियंस, तो जो लोग एमजी एनआरएस में काम किया है वो लोग 3 साल काम किया हुआ होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकती हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग कॉन्डक्टिंग सोशल ऑडिट अंडर इंजीनियर एंड आईएवाई पीएमएवाई एट लेस इन टू फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल आप लोग को ये सब होना ही चाहिए। 30 डे के अंदर आप लोग, 30 डे अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो वही आप कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली लोग नहीं है दोस्तों, तो मैंने पहले भी बता दिए है। और इसके लिए आप लोग को जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल तक रखा है उन्होंने, और 5 साल का एक्सटेंड मिल जाएगा आप लोग को जो लोग एसटीएसएस से अगर बिलोंग करते हैं तो। इसमें जो आप लोग को पे स्केल होगा वो दोस्तों 10,000 होगा, फिक्स होगा दोस्तों, और उसके बाद टीए वगैरह दिया जाएगा आप लोग को 2,000। तो बहुत अच्छा खासा है, जो लोग एक्सपीरियंस करके रखा है तो उनके लिए तो बहुत मस्त है। तो द पोस्ट एक्सक्लूसिव ट्रैवलिंग एंड ओनली कैंडिडेट हु विल बी विलिंग टू अंडरटेक सच सूट अप्लाई। तो एप्लीकेशन आप लोग को किस तरह से करना है, उनका जो ऑनलाइन ईमेल की वजह से आप लोग कर सकते हैं ये अप्लाई दोस्तों, ये और उनका ईमेल जो है तो यहाँ पे दिया है आप लोगों को। अगर चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उनको भेज सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से उन्होंने ईमेल में भेजने के लिए आप लोगों को कहा है, तो आप लोग ईमेल के थ्रू आप लोग भेज दीजिए। और ये जो है 15 अप्रैल को आया है दोस्तों, कल आया है ये, उन्होंने अनाउंस किया है। और बाद में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके डेट अभी तक दिया नहीं कि लास्ट डेट कब है वो कुछ दिया नहीं, बस आप लोग सॉरी दोस्तों, इधर उन्होंने कहा है 8 तारीख को ही उन्होंने डायरेक्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया दिया है। तो ये रहा उनका एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों, इनका यहाँ पे फोटो एक डालना है, और यहाँ पे अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर मदर का नाम डालना है, मैरिटल स्टेटस आप अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन डालना है। तो ये सब यहाँ पे आप लोग को फिल करना आता होगा, तो इस तरह से आप लोग को फिल करना पड़ता है दोस्तों। ऑनलाइन अप्लाई है, ऑनलाइन अप्लाई है दोस्तों, ईमेल के माध्यम से आप लोग को भेजना है, और उसके ईमेल जो है उनका ऑफिशियल ईमेल जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाके कर सकते हैं दोस्तों, उनको अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो इतना ही जानकारी था दोस्तों, वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।